काफ़ी एक्साइटमेंट है। सो ये पहले मतलब ये पहले इनका दूसरा साल है, इनका पहला साल है, मेरा पहला साल है, तो हम दोनों को आइडिया नहीं है कि अंदर क्या होने वाला है। या मैं भी देखना चाहती हूँ हम किस किस कैटेगरी में नॉमिनेटेड हैं, और आई एम श्योर काफ़ी मज़ा आएगा। अंदर सारे लोग होंगे, पूरा जी कुटुंब होगा, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट एवरीबॉडी। आप तीनों से जानना चाहूँगी, सो ऑनेस्टली फॉर मी अगर मुझे अवार्ड मिलेगा या मिलता है तो मैं बहुत बहुत खुश होंगी, नो डाउट। पर अगर मुझे नहीं भी मिलता तो मैं डिसहार्टन नहीं होती, बिकॉज मेरे जो फैंस हैं, जो लोग मुझसे प्यार करते हैं, वो लोग मुझसे प्यार करते हैं चाहे मुझे अवार्ड मिले या ना मिले। और आई हैव प्रूव माई सेल्फ, पीपल हैव रियली चेंज देयर व्यू। जो वो मेरे बारे में सोचते हैं वो मेरे बारे में बेटर ही सोचते हैं। मुझे हमेशा मेरी परफॉर्मेंस की अप्रिसिएशन मिलता है, तो अगर मैं वो ठीक कर रही हूँ, सो अवार्ड रियली डजंट मैटर कि मुझे मिल रहा है या नहीं मिल रहा। Cool with both the things. या सेम, आई थिंक अवार्ड, ऑब्वियसली अवार्ड जब मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है कि हमने जो मेहनत की है उसका लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं और उसका उसके लिए अवार्ड मिल रहा है। बट अगेन जैसा आशी ने कहा कि अगर नहीं भी मिलता है तो जो ऑडियंस का प्यार जो हमको मिलता है वही हमारे लिए अवार्ड्स है, तो आई थिंक या तो हम खुश हैं मिले ना मिले। ऑलमोस्ट दोनों ने बातें कह दी हैं, बट स्टिल मैं ये कहूँगी अवार्ड बहुत मैटर करता है, क्योंकि वो एक ऑफकोर्स वो एक अप्लॉज है आपके लिए, आपकी परफॉर्मेंस के लिए। बट अगर नहीं भी मिलता है, वी आर स्टिल ओके विद दैट। मेन मैटर क्या करता है, लोगों को आपकी परफॉर्मेंस पसंद आ रही है और लोग आप अच्छा काम करें, लोग आपको पसंद करें, वो ज़्यादा मैटर करता है। अगर मीत के किरदार फिलहाल तो बिफ़ोर मैरिज जो मीत थी वो काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें करती थी जो जिससे लोगों की सोच बदले, ऑफकोर्स क्योंकि वो खुद ही एक ऐसा कैरेक्टर थी जो अपने घर के भी काम, सारे अपने घर के काम खुद ही करती थी। जो लड़के वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो पूरा समाज बोलता है वो उसने अकेले ली हुई थी, और शादी के बाद भी वो उस चीज़ को मेंटेन रखती है कि ससुराल और मायका उसको दोनों कैसे संभालना है एक साथ। तो जनरली शादी के बाद एक्सपेक्ट किया जाता है कि लड़कियों को अब ससुराल संभालना चाहिए और मायके से उसका कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, बट मीत ने ऐसा नहीं किया। वो अपना मायका अभी भी खुद ही संभालती है, शी नोज़ कि शी वॉज़ द ओनली ब्रेड अर्नर इन द हाउस, और उसके सिवा वो घर में कैसे लड़की दोनों चीज़ें बैलेंस कर सकती है। उसकी खुद की लाइफ में यही स्ट्रगल चल रहा है, क्योंकि काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो मीत के लिए भी नहीं है, वो भी खुद समझ रही है, सीखने की कोशिश कर रही है, बट शी इज़ डूइंग इट, सो इट्स पॉसिबल, सो शी इज़ जस्ट ट्राइंग टू कन्वे दिस राइट नाउ। अभी तक तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, मुझे और शगुन को काफ़ी पसंद किया जा रहा है एक साथ और अप्रिशिएट किया जा रहा है, विच इज़ वेरी गुड। हमें नहीं पता था, अगेन अब जब कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं आपको नहीं पता होता कि वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, बस होप करते हैं और हार्डवर्क करते हैं। हमने वो किया और उसके बदले में हमें काफ़ी प्यार मिल रहा है, जिससे हम बहुत बहुत खुश हैं, एंड वी आर रियली रियली थैंकफुल। थैंक यू सो मच गाइज, एंड कीप कीप लविंग। और ऑब्वियसली ये जोड़ी बहुत हिट है,
इन दोनों को देख के अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की याद आती है. सो या हाइट या लुक अगर आप देखो तो एग्जैक्टली वैसा ही है. हमारा बॉन्डिंग ऑफ स्क्रीन ये एक्चुअली हम सबका पूरे शो में पूरी कास्ट का जो हमारा शूट भी बहुत बार एक साथ नहीं होता बिकॉज मोस्टली ये दोनों अलग शूट कर रहे होते हैं, हम अलग शूट कर रहे होते हैं, बट जैसे ही हमें टाइम मिलता है वो 10 मिनट भी होते हैं ना, हम लोग एक जुट हमसे लोग परेशान हो जाते हैं, डायरेक्शन टीम और प्रोडक्शन प्लीज़ अलग हो जाओ, प्लीज़ काम कर लो, वैसा हो जाता है बिकॉज चप 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 पूरा टाइम हमारा चालू ही रहता है. तो ऑफ स्क्रीन हम लोगों का बॉन्ड बहुत अच्छा है, वी रियली एंजॉय ईच अदर्स कंपनी. एंड ऑन स्क्रीन तो सब जानते हैं कि मानुषी एंड मी का क्या बॉन्ड है. मानुषी जस्ट कांट स्टैंड मी, ऑफ कोर्स आई एम प्लेइंग नेगेटिव कैरेक्टर एंड यस ये मेरे भाई जैसी बहन है. मेरे अकॉर्डिंग शी इज़ अगली, लाइक मानुषी के अकॉर्डिंग शी इज़ अगली, बट शैरन के अकॉर्डिंग शी इज़ एडोरेबल एंड आई लव इट. थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू. रोमिल आओ, किशन कन्हैया कम. ओके सबसे पहले आप तो बहुत अच्छी लग रही हैं. द वर्ड इज रॉयल, हम रॉयल फैमिली के. क्या कहेंगे भाई, हमारे रिश्ते का पहला साल है, हमारे लिए पहला साल है फॉर द राठौड़ फैमिली. तो हम ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, ये देखना चाह रहे हैं कि किसको कितने और किस तरह के नॉमिनेशन मिले हैं और नॉमिनेशन के बाद कितने अवार्ड्स मिले. आई एम सुपर एक्साइटेड एंड आई होप द राठौड़ फैमिली रॉक्स. बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. तो ये मेरा पहला ज़ीरिश का अवार्ड्स है, सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी अंदर और क्या होने वाला है. एंड आई एम ऑल्सो वेरी मच अवेटेड अबाउट द फैक्ट कि हमें कितने नॉमिनेशंस मिले एग्जैक्टली और हम कितने अवार्ड्स जीते. लीना जी ज़्यादा नहीं बोलती, वो सिर्फ गुस्सा करती है. ये बोलते नहीं, ये तोड़फोड़ करते हैं. अवार्ड नहीं मिला तो उठा के ले जाते हैं. हाँ मतलब प्लान ही मेरा ये है कि अगर नहीं मिला तो हम ले जाएंगे किसी का, जिसका नहीं पसंद आया डिजर्विंग का हम उठा के ले जाएंगे. नहीं नहीं, अवार्ड को या बंदे को, दोनों को. आपके पीआर की वजह से ही प्यार मिल रहा है बेसिकली. बात सही है एक्चुअली. आप लोगों तक पहुंचाएंगे हमारी बात तब जाके उनका प्यार आएगा हम तक. तो वी रियली लाइक टू थैंक द मीडिया फॉर ऑल द सपोर्ट दैट देव गिवन. तेरे बिना जिया जाए ना. और हम उम्मीद करते हैं कि हम उनकी ज़िंदगी का इतना अहम हिस्सा बन जाए कि हमारे बिना जिया जाए ना. क्या बात है, शुक्रिया. हाँ यार, मैं कहना चाहूँगा बड़ा एक्साइटमेंट हो रहा है पर मैं थोड़ा नर्वस हूँ आज. पहला अवार्ड है. हाँ मेरा पहला अवार्ड है, नहीं इससे पहले मिल चुका है बट टीवी का मेरा पहला अवार्ड है. पहले कौन सा मिला? स्टार गेजर्स एंड ऑल मिले हैं काफी, बिग बॉस के बाद काफी मिले थे. बट अलग तरह के थे, रियल एक्टिंग टैलेंट का. हाँ बट अच्छा है कि यार, यही कहना चाहूंगा कि फैंस को कुछ नहीं कहना चाह रहा बिकॉज आई एम वेरी हैप्पी विद माई फैंस एंड विद द टीम ऑफ टीवी जेजेएन, क्योंकि हर कोई बहुत अच्छे से प्यार दे रहा है और उम्मीद करता हूँ कि ये प्यार बढ़ता जाए और इस प्यार पे हम भी खरे उतरे, क्योंकि हमारा टाइटल ही तेरे बिना जिया जाए ना, ना हम उनके बिना जी सकते हैं.
अभी आप आओ और बोलो व्हाट डू यू थिंक जो प्यार मिल जाए उसके बारे में क्या दिया जाए ना व्हाट डू यू थिंक ऑफ द प्यार दैट द ऑडियंस इज गिविंग योर शो आवाज आ रही है तो गुड इवनिंग एंड वेलकम टू जी रिश्ते नॉमिनेशंस डेफिनेटली अनिल सर इज कमिंग अनिल सर जल्दी आ जाओ ये हमारा को प्रोड्यूसर जी आइए प्लीज तो एक्चुअली ऑडियंस हमारी इतनी अच्छी ब्यूटीफुल क्रू है तो प्यार तो मिलना ही है इतने अच्छे आर्टिस्ट है एंड अच्छा हमारे को रिस्पॉन्स अभी तक बहुत अच्छा है वी आर वेरी इन अ डिफिकल्ट स्लॉट पर फिर भी हम फेस कर रहे हैं और इस वीक हमको बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं और इंशाल्लाह द शो इज लुकिंग गुड एंड सारे मेहनत कर रहे हैं एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू ओनली एंटरटेनिंग द ऑडियंस Anil sir, are you happy with the response that your show is getting? I can afford to be happier. He spoke like a true producer. Ummeed pe duniya kaayam hai. No, but I think we've done fabulously and people are really showering love. Jo comments hame milte hain social media pe. Hum jo feedback dekhte hain, we are so happy with the way people are showering love on एवरी कैरेक्टर हमेशा ऐसा होता है कि आप देखते हैं कि मेन लीड्स को बहुत प्यार मिलता है लेकिन हम जब अपने सोशल मीडिया फीड्स पे देखते हैं तो इतना सारा फीडबैक है हर कैरेक्टर के लिए यू नो एंड एवरीवन एज एन एक्टर हम रिएक्ट करते हैं उस पे ही कि लोग कितना प्यार हमें दे रहे हैं एंड द अमाउंट देयर शोइंग अस लव आई थिंक इट्स ओनली मेकिंग अस वर्क हार्डर थैंक यू सो मच एनीबॉडी एल्स आई थिंक मैम इज प्रेजेंट ऑन द आपको हाँ मैं आ रहा हूँ